प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर राज्य सरकार सभी 8 जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री देव ने बताया कि सभी जिलों में सरकार कम से कम 3 स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को निशुल्क चिकित्सा प्रदान कर रही है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने आज सुबह मठ चौ मुहानी इलाके में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक केक काटा और कार्यकर्ताओं में मिठाइयां वितरित की। लोग बीमार कम पड़े ऐसा मेरा इच्छा है, सरकार भी उस दिशा में काम कर रहा है। तो उसमें से जो भी लोग कोई भी छोटे मोटी बीमारी हो तो उस कैंप में आए, डॉक्टर को दिखाए और उसका इलाज हो, यही हमारा लक्ष्य है। और ऐसे मेरे को क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं ये बताऊंगा, मेरे राज्य में कोई बीमार ना रहे, ये मेरा और मेरे सरकार का लक्ष्य है। बीते 13 सितंबर को हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार मणिपुर में इस तरह की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट से बात करते हुए सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 13 सितंबर को थौबल जिले के लिलोंग में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, जिसमें भीड़ ने मोहम्मद फारूक अहमद नामक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। नाउ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड वी स्ट्रांगली कंडेम सच काइंड ऑफ बारबारिक एक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस टू द पीपल्स ऑफ द स्टेट दैट वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ सच मॉब लिंचिंग इंसिडेंट। So immediately we have pick up the all those involved in the mob lynching, and a further investigation is on, and we will not spare a single one. We will punish according to law. हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि राज्य में 67,000 फर्जी राशन कार्ड है, जबकि 37,000 फर्जी सामाजिक पेंशनधारी है। देव के अनुसार इसी वजह से हर महीने 20 करोड़ से अधिक सरकारी पूंजी का दुरुपयोग हो रहा है। लोक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के डिजिटाइजेशन ड्राइव में 67,000 फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया है। बीते 9 मार्च को बीजेपी आईपीएफटी सरकार के सत्ता में आते ही राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार ने डिजिटाइजेशन और ई गवर्नमेंट सर्विसेज पर अधिक ध्यान दिया है। बिप्लब देव ने आगे कहा कि वे सभी सामाजिक पेंशनधारियों को 2,000 रुपए देंगे, बशर्ते सरकार पहले फर्जी राशन कार्ड धारियों और फर्जी पेंशनधारियों को बाहर करेगी। 67,000 भू राशन कार्ड फॉल्स राशन कार्ड ज्यादा उपयुक्त ना ताकि देंगे 37,000 बेनिफिशियरी जरा भाता फॉल्स निच्छे जरा उपयुक्त ना आरो তার কাজ এখনো চলছে, রিভিউ আমি এখনো চলছে। তারপর ভাইরা বলুন দুটা মিলে 1,00,000 হচ্ছে, দুদিকে রেশন কার্ড এদিকে 37,000 ভূ ভাতা কার্ড প্রাপ্তি। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख का कार्य बगैर निविदा के NHIDCL को सौंपा है। कांग्रेस नेता गोपाल राय के अनुसार यह 10,000 करोड़ रुपयों का राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से राज्य को 900 करोड़ के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने कहा कि राज्य सरकार यह काम किसी भी निर्माण एजेंसी को सौंप सकती थी, लेकिन उन्होंने बगैर निविदा के यह काम क्यों किया। उन्होंने मुख्यमंत्री बिप्लब देव पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि यह सब कुछ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दिशा निर्देश पर हुआ है।
229 কিলোমিটার আগে দিলেন প্রথম 146 তারপরে দিলেন 620 20.91 কিলোমিটার তারপরে আবার 229 কিলোমিটার টোটাল 975.91 কিলোমিটার পার্টিকুলার কেন আপনি দিলেন উইদাউট টেন্ডার আমরা জানতে চাই আমরা যে বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ত্রিপুরা কি ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয়েছে ত্রিপুরায় কি কোন কি এমার্জেন্সি ছিল ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয়েছে যে একটা পার্টিকুলার একটা বিএসওকে তারা 10,000 কোটি টাকার কাজ উইদাউট টেন্ডার কেন তার शिलांग के गणेश दास सरकारी अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत के मामले को मेघालय हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने संतुष्टि जताई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हाल ही में इस अस्पताल में डिलीवरी के समय ही एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे पहले इस घटना की खबर प्रसारित हुई थी। सरकार ने अब तक अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि सरकार ने घटना का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित परिवार को अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। I feel happy about that case when it starts, but I don't want to be again.Happened in Ganesas and feel very bad as I miss my child. I don't get to catch him also. I don't get to see him also.